तो ये वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं 100 डेज इन माइनक्राफ्ट, बट हार्डकोर में खेलने वाले हैं। एंड ट्विस्ट यहीं पे रुकने वाला नहीं है, और एक एक्स्ट्रा चीज जो है डालने वाले हैं। तो ऐसा वर्ल्ड जो है, वर्ल्ड जनरेशन किसी को नहीं चाहिए, चाहिए एक्चुअली, बट या वो भी हम लोग छोड़ने वाले हैं। एंड फ्लैट वर्ल्ड, या फ्लैट वर्ल्ड में हम लोग जो है ये कंप्लीट करने वाले हैं 100 डेज। देखते हैं क्या होने वाला है। बारे उसके पहले बुया पे बहुत सारे इवेंट चल रहे हैं, उसमें से एक इवेंट चल रहा है ट्रिगर्ड, तो इमोट मिलने वाले हैं, स्किन्स मिलने वाले हैं, जल्दी जाओ एंड इवेंट जो है उसमें ज्वाइन करो। नीचे लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगी। चलो फाइनली अभी वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो हार्डकोर मोड जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, बिकॉज या वी आर कूल, एंड वर्ल्ड नेम थोड़ा सा यूनिक रखेंगे, फ्लैट सुपर फ्लैट जो करना है, एंड स्ट्रक्चर ऑन विलेज रंजन आई होप हम लोगों को मिलने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं अभी बिना किसी देरी के, लगने वाले हैं हमारे 101%। एंड हमारा फर्स्ट डे आ गए हम लोग वर्ल्ड में, एंड स्टार्टिंग में ही हम लोगों को दिख रहे बहुत सारे स्लाइम्स बट पिग्स मिले हैं स्टार्टिंग में। तो चलो टोटल 6 जो है हमें मिले हैं पोक चॉप, एंड देखते हैं अभी विलेज ढूंढने तक जो है मुझे भागना है यहाँ पे। और ये बच्चे को मारा है पता नहीं क्यों, बट आई थिंक सो इसकी बलि देने के बाद कुछ तो मिल जाएगा। और ये ऑलराइट, नाइस वन, मिल गया विलेज। चलो और किसी पागल के जैसे जो भी चीज दिख रही है मैं ब्रेक करने वाला हूँ, बिकॉज हर एक रिसोर्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, बेड, विलेजर, या एवरीथिंग, इवन ये स्लाइम जो है उसको भी मैं मार मार के पागल करने वाला हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये फर्स्ट ट्री जो है, ट्री बोल नहीं सकते बट फर्स्ट वुड, उसके साथ ये हमारे फर्स्ट पिकैक्स एंड कॉबल स्टोन। तो या स्टोन के टूल्स अभी आने वाले हैं हमारे पास, विच इज गुड। कॉबल स्टोन की पिकैक्स यहाँ पे बनने वाली है, एंड उसके साथ साथ कॉबल स्टोन की एक्स भी। तो हम लोग अभी अच्छे खासे जो है पोजीशन में है, अपग्रेड अच्छे खासे चल रहे हैं, और यहाँ पे दूर दिखते हुए है आयन गोलेम। तो आयन के टूल्स भी जो है आने वाले हैं, हम लोग हमारी जो प्रोग्रेस ऐसे कंटिन्यू रखेंगे। वुड भी मिल गया है, वेल हेलो देयर, एंड फर्नेस भी बन गया है, खाने का भी बंदोबस्त पूरा कंप्लीट है। बाय द वे दरवाजे से दूर देखा है तो यहाँ पे मुझे एनिमल स्टेबल दिखा है, तो अच्छे खासे अभी घोड़े भिड़े जो है हमारा बंदोबस्त होने वाले, यहाँ विलेज में हम लोग आराम से रह सकते हैं। तो चलो इसके पहले यहाँ से निकलने के, ओ भाई साहब डैमेज, तो मुझे एक समझना है कि इनको मारने के पहले सोचना पड़ेगा रिस्क कितनी लेनी है, अदरवाइज यहीं पे मेरा गेम खत्म हो सकता है। तो या पानी भी है, शिप है, सब कुछ है यहाँ पे, तो या परफेक्ट स्पेस जो है यहाँ पे मैं रह सकता हूँ, यहाँ पे मैं मेरा डेरे रखने वाला हूँ, ये मेरा मोस्टली घर रखूंगा। बट ये सबसे पहले ये चेक कर लेता हूँ, लावा भी है, चेक कर लेता हूँ। ओके ओके चलो चेस्टलेस मिल गई है, तो थोड़ा फार प्रोटेक्शन मिल गया है। तो चलो फर्स्ट हमारी नाइट जो है हम लोग सो जाते हैं, ज़्यादा जो है रिस्क नहीं लेने वाले हैं, एंड डन। सुबह उठते देख रहा हूँ यहाँ पे आयन गोलेम खत्म हो गया है, आयन लेने जाने मुझे। चलो और रिस्क लेते हुए स्लाइम से भागते हुए यहाँ पे फाइनली मेरे पास आयरन भी आ गया है, तो आयरन टूल्स अभी आने वाले हैं, थोड़ा सा रिस्की है बट या। तो आ गया मेरा यहाँ पे फर्नेस एंड चेस्ट, घर हमारा रेडी है, थोड़ा सा जो है मैं यहाँ पे सामान अच्छे से रख देता हूँ, बाद में मिल जाएगा मुझे। एंड मेन जो है ये विलेजर को मुझे या बंद करके रखना है, बाद में इसका काम कर सकते हैं। बाकी के विलेजर्स कहाँ पे आई रियली डोंट नो, पर अभी मुझे थोड़ा सा जो है सीड्स चाहिए, खाना इम्पोर्ट मिल गया वहाँ पे सीड है, बट ये स्लाइम, ओह माय गॉड, क्या हो गया, सीड्स का बंदोबस्त हो गया है। उसके साथ साथ थोड़ा बोन मिल जो है उसके लिए मैं एक्स्ट्रा फूल और ये निकाल रहा हूँ, एंड मेन इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शन करना है खुद का, तो ये मुझे निकालने पड़ेंगे। बुक्स शेल्फ बुक्स या बाद में यूज कर सकते हैं, एंड मोर फ्रेंड्स काम में आने वाले हैं। ओ भाई कॉर्नरिंग, साइज देख भाई, खुद का साइज देख। और एनीवेज काम पे निकलते हैं। बाय द वे यहाँ पे पानी मिलता है मुझे सीरियसली पता नहीं था, अच्छी बात है। फेंसिंग कर लेते हैं पूरे के पूरे एरिया को, बिकॉज रात में बहुत सारे लोग आने वाले हैं। फूड का बंदोबस्त हो गया है, एंड देख सकते हो जैसे मैंने बोला है सो तो जाते हैं, अच्छा रहेगा नया डे। एंड सबसे पहली बात फार्मिंग, हमारे खाने के लिए जो है हमारा खाने का बंदोबस्त, या थोड़ा फार तो हो गया, स्टार्टिंग तो हो गई बाय द वे। एंड सेकेंड ये चीज़ बहुत बार करनी पड़ेगी, एंड फुल बोन मिल के लिए ऑब्वियसली, और
नया विलेज ढूंढने के लिए चलो अभी निकलो। और क्या, कभी बचा नहीं है रिसोर्सेस के लिए, यही करना पड़ेगा पूरे हमें ये वीडियो में। और रात होने तक भी नहीं मिला है विलेज, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होने वाला है। या विलेज मिल गया है, दैट्स नाइस। एक्चुअली थोड़ा सा उल्टा बोलने का पड़ेगा, बट एक काम करना पड़ेगा, खुले आसमान के नीचे अभी सोना इंपॉर्टेंट है। दूसरा विलेज भी मिल गया, या लेट्स गो। तो सुबह होते ही सबसे एक मेन काम करना है, वो है विलेजेस को लूटना, यानी कि आयरन गोलेम को मारना है, एंड फेंसेस जो है वो भी निकालने हैं। साथ में घर पे जाते जाते मुझे है यहाँ पे पिग मिले हैं, जिनको मैंने लाए हैं हमारे घर पे, हमारे फेंसेस के अंदर एक्स्ट्रा फेंसेस। एंड ये रात जो है मैं सारे के सारे लगाने वाला हूँ कॉबलस्टोन बनाने के लिए, बट जैसे मैंने सोचा था थोड़ा गलत हुआ है। तो यहाँ पे मेरा घर जो है वो जलने लगा है, एंड एट द एंड इतना सा घर मेरा बाकी है और ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया है। तो वो बिना ठीक किए मैं जो है यहाँ पे फेंस ब्रेक करके नया विलेज ढूंढने गया हूँ, एंड वो विलेजेस को लूट रहा हूँ। या मतलब रात में ये चीज़ हो गई है सामने, राइट। वो भी जो है सोचना बंद करो, सो जाओ, यही सबसे बेस्ट चीज़ है, ठीक है, तुम लोग भी यही करना। बट सुबह होते ही वो मैंने क्लीन कर दिया है, फेंसेस रेडी थे, एंड नेक्स्ट विलेज पे गया जहाँ पे एक्स्ट्रा लूट, फ्री एमरल्ड्स। यहाँ पे फेंस तोड़ते तोड़ते मुझे मिला है राइट में एक वैंडरिंग ट्रेडर, एंड उसके पास जो है देख सकते हो कैक्टस है एंड स्प्रूस है, बट मैंने स्प्रूस लिया है बिकॉज वो सबसे ज़्यादा मेरा फेवरेट वुड है, तुम लोगों को पता ही रहेगा, एंड इनमें तुम लोगों को पता है। और भी ज्यादा जो है हमें विलेजेस मिले हैं, एक एक करके मैं लूट रहा हूँ, बट इस विलेज में मुझे फाइनली मिला है यहाँ पे सैडल। तो अभी फाइनली हम लोगों की स्पीड जो है ट्रैवलिंग की वो फास्ट होने वाली है, देख सकते हो तुम लोग, यस। तो नेक्स्ट डे मैं फिर से गया हूँ विलेज ढूंढने के लिए, वही काम मैं कर रहा हूँ, बट ये टाइम मुझे मिला है अबॉन्डन विलेज, जिसका ज्यादा कुछ यूज जो है अभी तो मैं नहीं कर सकता हूँ, पर अभी हमारे पास लावा जो है उसका अच्छा खासा सोर्स जो है वो आ रहा है, जिससे हम लोग बनाने वाले हैं नेदर पोर्टल, तो हम लोग नेदर में जो है बहुत जल्द जा सकते हैं। और एक नया विलेज ढूंढने के लिए गया था, तब यहाँ पे मुझे मिले हैं दो फ्लेचिंग टेबल, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्स्ट्रा एमरल्स के लिए, एंड क्या ये स्टोन जो है वो कैसे बोल सकता हूँ, मेरे फेवरेट है ये सीरीज के लिए। उसमें से एक ब्लैक स्मिथ के घर पर मुझे मिली है ये एक्स्ट्रा लूट, यानी कि आर्मर जो है एक्स्ट्रा आ गया अभी, एंड बड़ी बेरहमी से मैं यहाँ पे देख रहा था कि कब आयरन गोलेम मरने वाला है, एंड उसका आयरन जो है वो मैं यूज़ कर सकता हूँ, फाइनली वो भी हो गया था, एंड या वो भी लेके मैं यहाँ से निकल गया हूँ। तो बहुत ही जल्द हमारे पास अभी नेदर पोर्टल आने वाला है, बिकॉज लावा का सोर्स जो है वो अच्छा खासा हमारे पास कलेक्ट हो रहा है, तो या नेदर बहुत ही जल्द मैं आने वाला हूँ। साथ में हमारी सैपलिंग जो है वो भी बड़ी हो गई है, तो प्रोग्रेस हमारी अच्छी खासी चल रही है, फाइनली स्प्रूस वुड भी आ गया है, तो बिल्डिंग जो है वो अच्छी खासी होने वाली है, एंड मेन थिंग मैप फाइनली बन गया है, जिसके वजह से अभी मैं एक्सप्लोर जो है अच्छा खासा कर सकता हूँ एंड लूट सकता हूँ आजू बाजू के सारे विलेज। जो मैंने मैप जो है एक्स्ट्रा मैंने पेपर्स लगा के पूरा का पूरा बड़ा कर दिया है, तो लास्ट लेवल का मैप जो है अभी हमारे पास अवेलेबल है। और एक विलेज लूटते लूटते हमें मिला है फाइनली दो लास्ट वाले हमारे लावा के ब्लॉक्स, तो हो गया अभी पोर्टल जो है वो अभी रेडी होने वाला है, बट उधर ही हम लोगों को मिला है यहाँ पे ऑब्सीडियन, तो ज़रूरत से ज़्यादा हमारे पास अभी ऑब्सीडियन जो है वो है। घर पे आने के बाद सबसे पहले तो मैंने काम करना अच्छा समझा, जो है हमारा घर जो है उसको रिबिल्ड करना, उसको सुधारना। तो वो करने के बाद एक्चुअली और एक चीज़ हुई है, वो है ट्री काटते काटते या दूसरा घर जलना चालू, बट मैंने सोचा वो इग्नोर कर देता हूँ और जो मैं काम कर रहा हूँ वो कंटिन्यू रखता हूँ। अगले दिन में मैंने पूरा का पूरा जो हमारा एरिया था वो एरिया बड़ा किया है, सो दैट एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें हैं फार्म्स है वो मैं बिल्ड कर सकूँ, यानी कि हमारा मेन बेस जो है उसके लिए भी जगह मैंने सिक्योर कर ली है। तो जगह बनते ही सबसे पहला फार्म बनाना चालू किया है, वो है आयरन फार्म। जॉम्बी को लाना बहुत ही ज़्यादा इजी था, एंड विलेजर्स को लाना भी, बिकॉज मेरे पास बेल थी, जल्दी जल्दी आ गए सारे के सारे, एंड ट्रैप भी बना था, एंड नीचे जा ही रहा था कि फर्स्ट आयरन कॉलम जो है वो स्पॉन हो, तो सबसे फास्ट ये बना है फार्म। तो डे 20 आयरन फार्म रेडी था, कंटिन्यू सोर्स आयरन का अभी आने वाला था, विच इज़ गुड। नेक्स्ट डे फिर से मैं गया हूँ विलेजेस ढूंढने के लिए, एंड यहाँ पे मैंने ट्रेड किया है रेडस्टोन डस्ट नेक्स्ट मेरा फार्म बनाने के लिए। उसके साथ एक्चुअल फार्म्स बनाना भी ज़रा ज़रूरी था, बिकॉज एनिमल जो है उनको अलग अलग मुझे रखना था, तो वो भी मैंने काम कर लिया है,
एंड अभी आप लोगों को समझ में आया होगा बेसिकली अभी नेक्स्ट फार्म कौन सा बनने वाला है, या शिव फार्म जो है वो बनाने वाला हो, साथ में ये ऑसम ट्रेड्स। एंड फिर से आ गए यहाँ पे वैंडरिंग ट्रेडर, जिसके पास मुझे जंगल सैपलिंग एंड मॉस ब्लॉक मिला है, तो वो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ट्रेड करके लिया है। एंड जंगल सैपलिंग इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है बिकॉज हमारे पास स्प्रूस सैपलिंग पहले से ही है, तो वो मैंने लगा के रख लिया है। एंड बाकी काम जो है नॉर्मली ट्रेड करो वुड के साथ। तो यहाँ पे मैंने बाय किए थोड़े से बोज बिकॉज बनाना था मुझे डिस्पेंसर, एंड अभी काम आता है शिफ फार्म बनाने के लिए। बट उसके पहले फाइनली मैंने बना दिया है यहाँ पे नेदर पोर्टल, एंड इसको लाइट अप करना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं था, थोड़ा सा टाइम लगा है, बट थोड़े से मेरे बोज एंड एरोज लेके मैं निकला नेदर में। एंड मेरा स्पॉन जो है वो अच्छा खासा था, एंड गोल्ड जो है वो भी मुझे मिला है स्टार्टिंग में, तो मैं अभी सेफ था बाकी चंपू लोगों से। स्पॉन अच्छा खासा था बट स्पॉन के नज़दीक ही मुझे यहाँ पे मिले सोल सैंड वैली, तो वहाँ पे जाना इतना कुछ यूज़फुल नहीं था। एंड पीछे ही जो है हमारा वॉर्ड का जो है मुझे जंगल मिला है, वहाँ पे भी जाना अच्छा नहीं रहेगा। तो फर्स्ट हमारे यहाँ पे बार्टरिंग जो है वो हमें मिला है, कस्टमर मिला है, बार्टरिंग कर ली है मैंने यहाँ पे, बट जो चाहिए थे वो मुझे चीज़ें मिले नहीं है, तो ये होना था। बट मुझे भूलना नहीं है कि मैं यहाँ पे हार्डकोर पे खेल रहा हूँ, तो मुझे थोड़े से बच के रहना पड़ेगा नेक्स्ट टाइम से। नेदर में मेरा इतना काम नहीं था अभी के लिए, तो थोड़े से मैंने यहाँ पे ट्रेड करके ले ली है, जिससे मैंने एक्स जो है वो मैंने कर ली है ट्रेड। एंड नेक्स्ट जो है यहाँ पे तुम लोगों को देखने को मिलने वाला है क्या, सारे का सारा बेस जो है मैंने विलेज था बचा खोचा वो मैंने तोड़ना जो है वो चालू किया है। बट वो भी काम फास्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे ये करना अच्छा समझा क्या, कभी कभी लगता मैं पागल हूँ। ओके अभी सच्ची मुझे लग रहा है कि मैं पागल हूँ। बाय द वे मेरे विलेजर सेफ है, एंड अभी टाइम था मेरा मेन बेस बनाने का। जो मेरे दिमाग में आइडिया है थोड़ा सा अलग है, एंड तक तुम लोगों को समझ में आएगा मैं क्या बनाने वाला हूँ। काम तो चालू हो गया है बट हर बार ये वर्ल्ड में बारिश ही हो रही है, मुझे समझ में नहीं व्हाट द हेक। ओके तो लगभग हमारा इतना काम हो गया ये बारिश में, शेप अभी तक तुम लोगों को समझ में आएगा, बट इसमें भी हम लोग करने वाले काम और ये भी मैं निकालने वाला हूँ, थोड़ा सा रुको। तो नेक्स्ट कुछ दिनों में मैंने सारा का सारा सामान जो है वो निकाला है, एंड अलग अलग चेस में, मुझे खुद को नहीं पता है मैंने कितने सारे चेस मेरे बेस पे बनाए हैं, बट वहाँ पे मैंने रख दिया है सब चीज़ें। एंड मेरा मेन जो घर था वो मैंने ब्रेक डाउन कर दिया है पूरा का पूरा विथ प्लेटफॉर्म, एंड जो बचा कुछ था वो भी जो है मैंने यहाँ पे आग लगाया है। मुझे पता नहीं ये सब चीज़ें क्यों करता हूँ मैं, बट सबसे बेस्ट स्पीड से ये काम होता है, देख सकते हो तुम लोग। नेक्स्ट डे मैं गया था बार्टरिंग करने के लिए, तब मैं भूल गया था एक मॉड डाला था जिसके वजह से तुम लोग देख सकते हो नेदर में ऐसे टोल्स एंड वैली में बेसिकली फ्लाइंग एनिमेशन दिखते हैं विच इज कूल। एंड फाइनली मुझे यहाँ पे मिली है जो चीज चाहिए थी, फ्लैश पोशन ऑफ फायर रेजिस्टेंस, साथ में वॉर्प फ्रॉम द सन स्टिक भी मेरी रेडी है। तो एक ही चीज चाहिए थी वो है ये स्ट्राइडर, वो भी आ गया है। तो इसके बाद एक ही काम था हमारा वो है फोर्ट्रेस ढूंढना, एंड लावा पुल पे तैरते तैरते फाइनली हमें यहाँ पे नेदर फोर्ट्रेस मिल गया है, जहाँ पे बेस पे हमारे स्ट्राइडर को रखे फाइनली मैंने एंट्री कर लिया फोर्ट्रेस में, एंड हमारी फर्स्ट मुलाकात होती है विदर स्केलेटन से। तो हर जगह पे मैं ऐसे जो है ट्रैप्स बना रहा था सो दैट विदर स्केलेटन नज़दीक ना पाए, एंड फाइनली मुझे यहाँ पे दिख गया था ब्लेजेस का फार्म, तो ईजिली जो है मैं यहाँ पे ग्राइंड कर सकता हूँ। तो प्लेटफॉर्म भी बनाया है एंड देख सकते हो बहुत ही इजीली कर रहा था मैं, ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें तो होती रहती है। वो फार्म करते करते मुझे फाइनली मिल गया है स्कल, पता नहीं कैसे लूटिंग वन में मिला है। तो अभी सिर्फ दो एक्स्ट्रा स्कल्स चाहिए थे, उसके बाद हम लोग विदर को भी जो है हरा सकते हैं। बाकी मॉब्स के साथ बैटल जो मिनी बैटल्स वो हो ही रहे थे, एंड साथ में जो एक्स्ट्रा विदर स्केलेटन्स थे उनके साथ भी लड़ाई हो रही थी। एंड फाइनली मेन बिल्डिंग में एंट्री कर ली है हम लोगों ने, एंड एक एक एरिया ब्लॉक करके मैं चेस जो है वो ढूंढ रहा था, एंड फाइनली हमें एक चेस में डायमंड्स मिले हैं। तो प्रोग्रेस या अच्छी खासी हो रही है, तो ऐसे एक एक करके मैंने बहुत सारे चेस जो है फोर्ट्रेस में ढूंढे हैं वो लूटे हैं, एंड फाइनली अभी टाइम था फोर्ट्रेस से निकलने का, बिकॉज ज़्यादा टाइम मैं यहाँ पर नहीं रह सकता हूँ, खतरा रह सकता है बिकॉज ये हार्डकोर वर्ल्ड है, एंड आवाज़ सुन सकते हो बहुत सारे लोग जो है मुझे मार रहे हैं, तो आराम से जो है मुझे भी जाना था ओवर वर्ल्ड में, बट
या कभी कभी एग्जिट प्लान जो है वो ख़राब हो जाता है बिकॉज मेरी पिकैक्स की हेल्थ जो है वो बहुत ही ज़्यादा लो थी। तो रिटर्न जाते जाते ये एक चीज़ जो है वो मेरे साथ हुई थी विच इज़ नॉट नॉर्मल। या ये देख सकते हो, तो समझ में नहीं है कहाँ से उसने जंप मारी, बट परफेक्टली हम पे जंप मारे। डर गया था मैं बेसिकली, बट हमारे पास स्प्लैश पोशन जो है वो अवेलेबल थी, तो कोई नहीं प्रॉब्लम है। तो इसको जो है बंद करने के बाद फट से जो है मैं ओवरवर्ल्ड में गया हूँ बिकॉज डायमंड्स का हम लोग यूज जो अभी करने वाले हैं। बट उसके पहले हमारे घोड़े के लिए जो है मुझे मिला था यहाँ पे डायमंड हॉर्स आम, वो मैंने दिया है बिकॉज इसके ऊपर हम लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल आगे करने वाले हैं। एंड और एक मेन चीज़ मैं भूल गया था, वो है नेदर पोर्टल बनाते टाइम मैंने ऑब्सीडियन जो है वो यूज़ कर लिया है, तो एन्चेंटिंग टेबल में अभी नहीं बना सकता हूँ। तो फाइनली मैंने बहुत ज़्यादा बार्टरिंग जो है वो करने के लिए स्टार्ट की है, बट उसमें भी एक प्रॉब्लम है। ये देख सकते हो पार्टरिंग करते टाइम जो है घास ने हमला बोल दिया था, बट ये टाइम पे भी जो है हम लोगों ने ट्रिक शॉट किया है, वो ऐसे कुछ हुआ है। उसमें भी और एक अचीवमेंट हम लोगों को मिल गई है अनएक्सपेक्टेड। एंड फाइनली हमें ऑब्सीडियन मिला है जो लेके सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो एन्चेंटिंग टेबल बनाया है एंड फुल्ली जो है हमारा फुल्ली स्टैक्ड एन्चेंटिंग टेबल रेडी है। तुम देख सकते हो भाई टाइम लगा बट बन गया है फाइनली। या शिप फार्म पे काम जो है वो बहुत ही जल्दी चालू करना था, सामग्री कम थी एंड हमारे छोटे छोटे विलेजर जो है वो भी बड़े हो रहे थे, बट मेन काम जो बाकी था वो उसके लिए एक बार फिर से जो है मैं नेदर में गया हूँ एंड ब्लैकस्टोन लेके आने के बाद यहाँ पे बेस पे थोड़ा सा जो है मैंने काम किया। तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे अब तक हमारे विलेजर्स बड़े हो गए थे एंड उसके साथ ट्रेडिंग करके मैंने बहुत सारा रेड स्टोन एंड लैपिस जो है वो लिया है, बट एक प्रॉब्लम था जो है ये आयरन गोलेम्स का एक हिट एंड मैं मर सकता हूँ। अरे विलेजर से मैंने एक डायमंड की पिकैक्स जो है वो ट्रेड की है, तो डायमंड्स के टूल हमारे पास आ गए हैं, तो उसको जो है मैंने डी एन्चांट एंड फिर से एन्चांट करके फाइनली हमारे पास एक बेस्ट पिकैक्स आ गई है, वो है ये फॉर्चून 3 की पिकैक्स जिसका हम लोग यूज़ करके बहुत ही ज़्यादा रिसोर्सेज जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए जल्दी से जल्दी मैं गया हूँ नेदर में। तो नेदर में 3 दिन काम करने के बाद अभी बारी आती है शिप्स की, तो चलो ये बिल्ड करता हूँ। तो फार्म रेडी था एंड शिप्स जो है उनको बिलाने का काम बहुत ही ज़्यादा इजी था, इजी पीजी। एंड या सारे के सारे कॉन्ट्रैप्शन वो भी लगा है, कलेक्शन सिस्टम वो भी रेडी है, बट काम नहीं कर रहा था। तो फाइनली मुझे समझा है कि मैंने सारे के सारे ऑब्जर्वर्स जो है वो गलत डायरेक्शन में लगाए हैं, या दैट्स द इलस्ट्रेटेड थिंग। तो वो भी इशू रिसॉल्व करने के बाद हमारा शिप फार्म फुल्ली अभी काम कर रहा है ऑटोमेटिकली। बाय द वे मैंने और एक बार जो है पिकैक्स रीरोल की है एंड हमें F4 भी है फॉर्चून 3 के साथ मिला है जो अभी के लिए मेरे ओपी पिकैक्स है। तो मेरा बेस जो है वो ऐसे कुछ दिखने वाला है, मेरे बेस का बेस नाइस। तो देख सकते हो बहुत सारा कॉर्ड्स मुझे यहाँ पे लगने वाला है एंड ओ माय देखो यहाँ पे कौन आया है, लाइम डाई था तो वो मैंने यूज किया हमारी शिप पे एंड ये महाशय पर्ल नहीं दे रहे थे तो बाय बाय। न्यू विलेजर्स की कमी है नहीं, वो कंटिन्यूसली आने वाले जब तक हम लोगों को पर्ल देने वाला विलेजर नहीं मिलने वाला है। बाय द वे सैड न्यूज बॉयज, जंगल ट्री से एक भी सैपलिंग नहीं मिली है, तो उसका बदला मैंने ऐसे लिया है क्या, लिटरली बहुत पागल हूँ मैं। एंड वो होने के बाद मैंने मेरा टाइम जो है वो इन्वेस्ट किया है बुक के लिए, मेंडिंग बुक फाइनली हम लोगों को मिल गई है एंड वो मैंने मेरे पिकैक्स पे डाल दी है, नाम लव ऑफ माई लाइफ, बिकॉज पूरे एंड तक जो है ये पिकैक्स हमारे साथ रहेगी आई होप। फाइनली एंडरपल आ गया है एंड यहाँ पे मैंने आई ऑफ एंडर बनाया है, बट वट वट द हेक, ओके मुझे अभी समझ में आया कि हम लोग यूज नहीं कर सकते, वाओ। एंड इसीलिए मैंने 20 मिनट जो है वो रोने में बिताए हैं, कोने में रो रहा था मैं सच्ची बता रहा हूँ, बट फिर मैंने डिसाइड किया है कि कुछ अलग करने वाले हैं हम लोग, कुछ नया बड़ा बिल्ड करेंगे, तो इसलिए थोड़ा सा मैं मेरे बेस से दूर गया हूँ। ये स्लैम्स तो मुझे सताने वाला ही है वैसे तो, अच्छा खासा देख सकते हो दूर गया हूँ मैं एंड यहाँ पे मैंने जो है ये ऐसे एक बिल्ड करने के लिए चालू किया है, या लावा एंड वाटर। तो ऐसे करते करते जो है मुझे पता नहीं है मैंने कितना टाइम जो है इसमें इन्वेस्ट किया है, या फिर तुम लोग बोल सकते हो वेस्ट किया है। देखो 1 2 3 एंड वॉयला इतना बड़ा हो गया था कि FPS भी अभी तुम लोग देख सकते हो, डेज भी देख सकते हो। तो या PC पूरा का पूरा जो है मेरा लैग हो रहा है, बट ठीक है। एंड हियर वी गो, एक लावा एंड बकेट
वाटर वाटर बकेट से क्या क्या हो सकता है तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो। बहुत ही ज़्यादा बड़ा ही मुझे समझ में नहीं आता इतना बड़ा बनाया है करने क्या वाला हो। तो उससे मैंने ब्रेक लिया और सोचा थोड़ा सा नेदर में जाता हो एंड कर देता हो बूम बाम। तो वहाँ पे हमारा लक जो है वो तो चल गया है बिकॉज एक के नीचे दूसरा जो स्क्रैप हम लोगों को मिला है रेयरली मिलता है। तो टोटल 10 स्क्रैप कलेक्ट करने के बाद फाइनली मैं नेदर से निकला ओवर वर्ल्ड में एंड यहाँ पे मेरा बेस बिल्डिंग का काम फिर से चालू हो गया है। लगभग मेरा पूरा का पूरा लोअर बेस जो है वो मैंने फाइनली कॉर्ड से कंप्लीट कर दिया है। बट रात में एक चीज़ हुई है वो है हमारा विलेजर जो है आयरन फार्म का वो बाहर निकला था तो कैसे तो करके वो फाइनली बेड पे सोया है। एंड जब तक मैं नीचे उतर रहा था हमारा आयरन फार्म जो है फिर से काम कर रहा था, पता नहीं इशू जो है इसके कंटिन्यू चालू रहता है। डायमंड की एग जो है वो भी मैंने ट्रेड कर लिया है और उसमें भी अच्छे खासे एंचान यहाँ पे मिले हैं। तो नेक्स्ट एक डे पूरा मैंने यहाँ पे स्पेंड किया है जो मैंने बेसिकली आगे ग्लास बाय करने के लिए यूज किया है, यानी कि वुड इज इक्वल टू ग्लास यहाँ पे कनेक्शन हो जाता है। बट बाकी दिन मैं पागल के जैसे जो है यहाँ पे पिरामिड बिल्ड करने के लिए स्पेंड कर रहा था। देख सकते हो लैग प्लस कितना बड़ा जो है चीज मैंने यहाँ पे जस्ट एक लावा एंड वाटर बकेट से बनाई है जो पानी अभी तक नीचे जा रहा है। इनसेन। तो विलेजर से सारा का सारा जो है मैंने यहाँ पे ट्रेड किया है, आर्मर एंड पूरा का पूरा डायमंड आर्मर हमारे पास रेडी है फ्लैट वर्ल्ड में। बट ये सब होने के बाद भी मुझे लुटेरे के जैसे और भी विलेजर जो है वो लूटने पड़ रहे जस्ट बिकॉज थोड़ी फार लूट मिल जाए। और यहाँ पे भी हमारा लक लग गया बिकॉज एक्स्ट्रा डायमंड्स फाइनली हमारे पास आ गए जिसके मैंने स्वॉर्ड बनाई है एंड शवल बनाई है। बट देखो देखो कौन है यहाँ पे। तो इससे जो मैंने शुगर केन बाय किया बिकॉज ऐसे मुझे मिलने वाला नहीं था फ्लैट वर्ल्ड में। एंड साथ में सैंड भी जो है वो सारी की सारी मैंने बाय कर ली है। शुगर केन जो है वो भी लगा दिया था, बाद में हम लोग बड़ा वाला बनाएंगे। तो अभी तक तो ओवरऑल में शांति चल रही, सारे के सारे चीज़ें शांति से चल रहे, फार्म एनिमल्स, बट ना शांति हमसे हजम नहीं होती है। इसलिए नेक्स्ट डे जो है मैं नेदर में गया हूँ एंड फाइनली आ गए हम लोग ओवर वर्ल्ड में। एंड सबसे पहले सारे के सारे मेरा आर्मर अपग्रेड कर दिया है एंड ये भी अचीवमेंट हमारी हो गई है कंप्लीट फ्लैट वर्ल्ड में। तो नेदरराइट आर्मर बनाने का जो है एक मेन रीज़न था वो तुम लोगों को पता चलेगा, बट उसके लिए साथ में मुझे पोशंस भी चाहिए एंड एप्पल भी चाहिए। तो आई थिंक तुम लोगों को समझ में आया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ, या वीदर की। तो उसके लिए मुझे जाना है वीदर स्केलेटन्स पकड़ने के लिए। बट फिर से मैं एक बार ओवर वर्ल्ड में आया हूँ बिकॉज डायमंड की फुल्ली एन्चांटेड ओपी स्वॉर्ड लेके एंड उसके बाद हेड्स जो है वो मिलना जो है वो इजी हो गया है। बट टाइम अच्छा खासा लगा है बट फाइनली थर्ड हेड आ गया है हमारे 79th डे पे। एंड रिटर्न आते टाइम तुम लोग ये देख सकते हो ऐसा जो है मेरे साथ हादसा हो गया था बट फ्लैश पोशन थी। तो नेक्स्ट डे पे हम लोग मारने वाले हैं बॉस विदर को। तो आ गई वो घड़ी, आ गया वो दिन जहाँ पे बॉस को मारने वाले हैं। आर्मर पूरा का पूरा हम लोगों ने पहन लिया है एंड साथ में चेस का सामान जो है वो भी मैंने खाली कर लिया है मेरे इन्वेंट्री में। एंड फाइनली आते हैं 3 स्कल एंड बाकी के सैंड और ये मैं निकला हूँ विदर मारने के लिए। तो पिरामिड के सेंटर में जो है वो मैंने सीधा एक रास्ता बनाया है एंड थोड़ा सा एरिया क्लीन किया है एंड गोल्डन एप्पल। और टाइम आता है विदर स्पॉन करने का और आगे का तुम लोग देख लो मैंने यहाँ पे क्या किया है। तो यहाँ पे फाइनली वीदर जो है वो मर गया बट मेरी हेल्थ हाफ हार्ट पे फाइनली मैंने गोल्डन एप्पल जो है वो खाया है। यहाँ पे हमारा विद स्टार फाइनली आ गया एंड पिरामिड से हम लोग बाहर निकले हमारे बेस पे और भी जश्न की तैयारी करनी है जो है आधा अधूरा बीकन बना के, बट वो भी है हम लोगों ने बना लिया है। एंड देख सकते हो फाइनली एक और एक अचीवमेंट कम्प्लीट हुई है साथ में हम लोगों का मेन काम बेस बिल्ड करना। यार तुम लोग देख सकते हो लगभग हमारा बेस जो है वो कंप्लीट हो गया है, बस थोड़ा सा ग्लास लगाना बाकी है जो मैं लगाने वाला हूँ।
उसके साथ कुछ एनिमल्स को मूव करना है बिकॉज थोड़ा सा बेस सिमेट्रिक बनाना है। साथ में मैंने शुगर केन फार्म जो है वो पूरा का पूरा एक्सपैंड कर दिया है एक साइड से दूसरे साइड तक। एन्चेंटिंग टेबल वो भी मूव कर दिया है, साथ में सारे विलेजर्स एंड घोड़े वो भी हमारे बेस के अंदर है। बट एक चीज सेंटर पे मैंने कुछ किया नहीं है, तो वहाँ पे भी मैंने मॉस ब्लॉक का जो है वो अच्छा खासा यूज़ किया है। बट मुझे बाद में लगा कि मैंने ज़रा ओवरडू किया है, तो वो भी मैंने निकाल लिया है, तो अच्छा खासा भी लग रहा है। आई होप अच्छा लग रहा है। बट थोड़े से स्लाइम ब्लॉक्स एंड ग्लास डाल के और भी सुंदर बनाए हैं। और यहाँ पे हमारा फाइनली बेस का मैप तुम लोग देख सकते हो, रिंग लाइट के जैसे लग रहा है, थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा ऐसे क्यों बनाया है। और नेक्स्ट अभी मुझे भरना है ये वाला मैप, बट उसके पहले एक फेवरेट चीज जो है वो मुझे लानी है नेदर से। बट आधे रास्ते से मैं रिटर्न आया हूँ, एक प्लान जो है वो मेरे दिमाग में है और उसके लिए और भी विलेजेस जो है लूटना जरूरी था। तो सामग्री आ गई हमारे पास एंड वो कॉन्ट्रेप्शन अभी देख सकते हो, इससे मैं कुछ बनाने वाला हूँ। गेस मारो एंड तक तुम लोगों को समझने वाली चीज़ है। बाय द वे कॉन्ट्रेप्शन हमारा यहाँ पे रेडी है, बट मैं अभी यूज़ नहीं करने वाला हूँ बिकॉज और एक काम बाकी था, वो है ये हमारा मैप जो है वो पूरा हमें फिलअप करना है। दो दिन बाकी है, लगभग हमारा मैप जो है वो कम्प्लीट होने वाला है एंड लास्ट एक दिन बाकी है हमारा, फाइनली मैप जो है वो पूरा कवर अप हो गया है। एंड फाइनली अभी तुम लोग देख सकते हो बीकन पे पूरा का पूरा मैप, मैक्स लेवल का मैप यहाँ पे देख सकते हो। बेस देखो कितना सा, कितना बड़ा बेस, यहाँ पे कितना छोटा लग रहा है, तो कितना एरिया मैंने एक्सप्लोर किया है यहाँ पे। और ऊपर से तो हमारा बेस और भी खतरनाक लगता है। और ये सनसेट जो है लास्ट सनसेट रहने वाला है 99th डे का, बिकॉज नेक्स्ट डे रहने वाला है 100th डे। एंड फाइनली हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट किए हैं 100 डेज टोटल माइनक्राफ्ट हार्डकोर में फ्लैट वर्ल्ड में। तो ऊपर से देख सकते हो मैंने बेस जो कैसे बनाए, कितनी मेहनत यहाँ पे की है और इवन पिरामिड भी। तो उसके लिए अभी हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट करने वाले हैं मेरी एक फेवरेट डिश जो है टोन लगा के। यस ओके, ये गलत लगा है मेरा, बढ़िया अभी फाइनली हो गया है यहाँ पे। तो आई होप आज का वीडियो तुम लोगों को अच्छा लगा है, मेहनत बहुत ही ज़्यादा लगी है। तो आई होप तुम लोग जो है लाइक के बटन पे प्रेस करने वाले हो, एक्चुअली लाइक के बटन पे प्रेस करो। एंड अभी मिलने वाला हो तुम लोगों से मैं नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा बकबक नहीं करता हूँ, म्यूज़िक जो है वो सुनो एंड एन्जॉय करो। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।